अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th क्लास के नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने 8th क्लास के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, आज हम चैप्टर नंबर 7 करते हैं। इसका पहला एमसीक्यूज देखते हैं। द प्लेन विद द 5 एजेस, वो प्लेन जिसके 5 एज हैं उसको हम पेंटागन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल फॉर द रेगुलर पेंटागन, एक पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना होगा? 540। नेक्स्ट देखते हैं, इन द रेगुलर पेंटागन द इंटीरियर एंगल, एक रेगुलर पेंटागन हो उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा? 108। अच्छा नेक्स्ट कहते हैं कि द पैरामीटर ऑफ द पेंटागन इज इक्वल टू, अब पेंटागन होता है जिसकी 5 साइड होते हो तो उसका पैरामीटर कितनी हो जाएंगे? 5। नेक्स्ट कहते हैं कि द प्लेन विद द 8 एजेस, एक प्लेन हो जिसकी 8 एज हो तो वो क्या कहलाता है? अब इधर था कि एक प्लेन हो जिसकी 5 एज हो उसको हम पेंटागन कहते थे। अब इधर लिखा हुआ है कि एक एज हो जिसकी 8, एक प्लेन हो जिसकी 8 एजेस हो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्टागन। नेक्स्ट कहते हैं कि हाउ मेनी साइड ऑफ द ऑक्टागन, ऑक्टागन की अब देखें पेंटागन की साइड कितनी बनती थी? 5। ऑक्टागन जिसके अंदर 8 एजेस होंगे तो उसकी साइड कितनी बनेगी? 8। नेक्स्ट कहते हैं कि द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल कितना बनेगा? 135। और इसका इंटीरियर एंगल कितना बने? 108। अच्छा ये देखें नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन, पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना है? 72। और एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ऑक्टागन, ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल कितना है? 45। अब दोनों को देख लेना, 5 के लिए पेंटागन के लिए 72 है और ऑक्टागन के लिए 45 है। अब ये देखें कि वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी साइड्स ऑफ द इक्विलेटर्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन की कितनी साइड होंगी? 5 साइड होंगी। ऑक्टागन की साइड कितनी थी? 8। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑक्टागन, ऑक्टागन का सम कितना होगा? 1080। अब ये देखें कि इधर गिवन है कि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है 45 और इसका इंटीरियर एंगल 135 गिवन है, ये इसका इंटीरियर एंगल 108 गिवन है। अच्छा हम नेक्स्ट करते हैं। द प्लेन विद द 6 एजेस, एक प्लेन हो जिसकी 6 एजेस हो उसको क्या कहेंगे? हेक्सागोन। अभी हमने इससे पहले हमसे क्यूज कहे थे द प्लेन विद द 5 एजेस इज कॉल्ड द पेंटागोन, द प्लेन विद द 8 एजेस इज कॉल्ड द ऑक्टागोन। अभी इधर क्या आ गया है कि द प्लेन विद द 6 एजेस इज कॉल्ड द हेक्सागोन, और नेक्स्ट आ जाएगा द प्लेन विद द 7 एजेस इज कॉल्ड द हेप्टागोन। हेप्टागोन कौन सा बन जाएगा? जिसके 7 एजेस हों। नेक्स्ट करते हैं द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागोन, हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल कितना होगा? 720। नेक्स्ट देखते हैं द एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागोन इज, हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल कितना होगा? 120। इधर से हम देखते हैं कि हेप्टागोन का सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना होगा? 900। ये आप लोगों ने देख लेना, हेक्सागोन का 120 बना और हेप्टागोन का इंटीरियर एंगल कितना बना है? 900। अच्छा कहते हैं कि द एवरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागोन, हेक्सागोन का एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा? 60। और इधर कहता है कि एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ द हेप्टागोन इज इक्वल टू द, इंटीरियर एंगल जो हेप्टागोन का वो इक्वल होगा 128.57। नेक्स्ट कहते हैं कि हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन के अंदर हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? 9। और हेप्टागोन के अंदर हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? 5। हेक्सागोन में 9 और हेप्टागोन में 5 हम ट्राइंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि हेक्सागोन इज मेड अप ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, हेक्सागोन बनी होती है कितने ट्राइंगल से? 6 ट्राइंगल से। द पैरामीटर ऑफ द हेप्टागोन इज इक्वल टू द, ये हेप्टागोन क्या होता है जिसकी 7 साइड्स होती हैं तो इसके पैरामीटर भी 7 होंगे, और हेक्सागोन 6 साइड होती हैं तो इसके पैरामीटर भी 6a होंगे। अब ये देख लेंगे इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है? 60। और इंटीरियर एंगल 120, इनके भी इंटीरियर एंगल लिखे हुए 128.57। आज हम ये 7 चैप्टर इधर तक ही करते हैं, नेक्स्ट 8 और 10 इसके 2 चैप्टर रहते हैं इंशाल्लाह ताला। ये एक या दो दिन में मैं कंप्लीट करके अपलोड कर दूँगी वीडियो, उसके बाद इस्लामियात स्टार्ट करनी है हमने, हम इस्लामियात करेंगे साथ साथ, इस्लामियात फिर उसके बाद उर्दू, फिर जो भी सब्जेक्ट होगा हम कंप्लीट कर लेंगे जब तक जॉब्स आएंगी। तो आप लोग ये काम करें कि मैथ के जो मैं एमसीक्यूज डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करती हूँ,
इसको आप लोग अच्छे से याद करें ताकि आप लोगों की मैथ की टेंशन ख़त्म हो जाए। बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस है, इंग्लिश है, इनको आप लोग याद करना स्टार्ट कर दें।